कर्म अधिक बड़ा है या भाग्य? आज के समय में अधिकतम लोग क्या कहते हैं? कर्म नहीं करना चाहते, सब कुछ भाग्य पर ही छोड़ देते हैं। भाग्य में होगा तो प्राप्त हो जाएगा, कर्म करने से कतराते हैं। बिना कर्म किए किस प्रकार कोई वस्तु या कुछ और प्राप्त हो सकता है? लगातार यही कहते रहते हैं, भाग्य ज्यादा बलवान है। हम तो अत्यधिक मेहनत करते हैं परंतु हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, भाग्य को अधिक बलवान कह देते हैं। और यह कहकर कर्म करने से बच जाते हैं, सब कुछ भाग्य के माथे मढ़ देते हैं। श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन को गीता उपदेश में क्या कहा था और क्यों दिया था उपदेश? जिस समय श्री अर्जुन के समक्ष उनके बड़े बूढ़े नाते रिश्तेदार परिवार जन युद्ध भूमि में खड़े थे, अर्जुन के हाथ डगमगा गए, अस्त्र छूट गए, कहने लगे कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता, कहने लगे कि मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्थात अर्जुन जब अपने कर्म से डगमगा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें गीता का उपदेश दिया और सर्वप्रथम क्या कहा कि हे पार्थ, राज्य तुम्हें प्राप्त होगा या नहीं होगा यह तो बाद की बात है, परंतु सर्वप्रथम अभी जो समय है वह कर्म का समय है। अपने अस्त्र गिराकर युद्ध भूमि से पीछे हटकर तुम कर्म से विमुख हो रहे हो। फिलहाल के समय में इसी क्षण युद्ध भूमि से अगर तुम्हारे पग डगमगा गए तो आजीवन तुम स्वयं को ही माफ नहीं कर पाओगे। कहीं ना कहीं मन में यही विचार रहेंगे कि मैं कर्म भूमि से पीछे हट गया, इसलिए कर्म और भाग्य से अधिक बलवान है कर्म। एक नन्ही सी चींटी जिसे पूरे पहाड़ पर चढ़ना है, अगर वह अपने भाग्य के भरोसे बैठी रहे तो क्या वह पहाड़ पर चढ़ पाएगी? कदापि नहीं। कर्म किए बगैर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता, और एक बार कर्म कर लिया, मेहनत कर ली, तो फल भी अच्छा ही प्राप्त होगा। और जब हम कर्म करने से पहले ही पीछे हट जाएंगे तो फिर तो इसी प्रकार भाग्य को ही दोषी ठहराएंगे कि यह मेरे भाग्य में नहीं है। बिना कर्म किए किस प्रकार तुम्हारा भाग्य तुम्हारा साथ देगा? कर्म से ही भाग्य बनता है, कर्म करेंगे तभी कुछ प्राप्त होगा, अन्यथा हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और अंत समय में आरोप किसके माथे मढ़ दिया जाएगा, यह मेरे भाग्य में नहीं था। अरे तुमने कर्म तो किया ही नहीं, भाग्य को कैसे दोषी ठहराते हो? कर्म ही प्रधान है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या कहा था? हे पार्थ, कर्म कर और फल की इच्छा छोड़ दे। तेरे कर्म को देखकर, तेरी लगन को देखकर फल मैं तुझे दूंगा। इसलिए कर्म से कभी भी पीछे ना हटे, कभी विमुख ना हो,
अपना कर्म करते रहिए, आज नहीं तो कल उसका फल अवश्य प्राप्त होगा, अवश्य प्राप्त होगा। और जितनी मेहनत, जितनी लगन से आप उस कर्म को करेंगे, उतना ही मीठा उसका फल प्राप्त होगा, उतना ही मीठा फल प्राप्त होगा। कर्म से स्वयं को कभी भी विमुख ना होने दें। एक किसान से सीखिए, कितनी मेहनत से फसल बोता है, वह भी जानता है कि हो सकता है अंत समय में जब फसल पक जाएगी, फसल काटने का समय आएगा, वर्षा हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी, परंतु फिर भी वह अपने कर्म से पीछे नहीं हटता। उसी प्रकार हमें भी कर्म करते रहना चाहिए। जब हम कर्म करेंगे तो फल तो प्राप्त होगा ही होगा। पहले से ही सोच कर बैठ गए कि कुछ प्राप्त नहीं होने वाला, भाग्य के ऊपर ही, भाग्य के हवाले ही सब कुछ छोड़ दिया और कर्म नहीं किया तो फिर कुछ नहीं प्राप्त होगा। अपने समक्ष भोजन की थाली लिए बैठे रहिए, भाग्य में होगा तो स्वयं मुख में चला जाएगा। क्या ऐसा होगा? क्या कोई और आकर रोटी तोड़कर आपके मुख में डालेगा? नहीं। अगर आपके समक्ष थाली है, उसमें से रोटी का टुकड़ा तोड़कर आपको स्वयं उसे पाना होगा। कर्म किए बगैर वह रोटी का टुकड़ा आपके मुख में, आपके पेट में नहीं जाएगा, तो यह कभी नहीं होने वाला। इसलिए भाग्य से अधिक प्रधान हमारा कर्म है। कर्म करते रहिए, फल की इच्छा मत कीजिए, अच्छे कर्म का फल अच्छा ही होगा। बस हमारी नियत साफ होनी चाहिए, नियत में किसी भी प्रकार का खोट नहीं होना चाहिए। जिस दिन कर्म करते समय नियत में खोट आ गया कि मेरा भला हो उसका बुरा हो, तो वह कर्म फलदायी नहीं होगा, वह कर्म दुखदायी हो जाएगा।